मेरे को बहुत बार इसके बारे में बोला है, आपने बोला है, क्योंकि मैं सचिन की किताब जब लिख रहा था आपने भी मेरे से बोला था कि आप ग्राउंड में जाते थे और बाउंड्री में आप खड़ा होते थे तो आपका वो पटका देख के लोग टेस्टिकल्स कहते थे, उल्टा सीधा कहते थे आपको, और मैं सुन के क्रिंज करता था कि यार ये क्या बोल रहा है आदमी, और उसका उम्र 26 साल है। जब ये सब आप दिन रात सुन रहे हो और उसके बाद आप रूम में जा रहे हो, आप कैसे डील करते थे? आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम योर बुक, बट इफ यू गिव मी अ सेंस, बिकॉज यू वर अ यंग मैन who was being broken down every single day in the media, taken apart. Obviously, your family was not there. You were a cricketer with your teammates backing you. So if you can give me a sense as to what was going through your mind. See, going through my mind was obviously, I was disturbed कि ये क्यों हो रहा है, ऐसी चीज क्यों इतनी बवाल हो रहा है, जो चीज हुई नहीं है, जिसके बारे में बातचीत नहीं हुई है, और उसके 6 या 7 गवाह खड़े हो गए, जो चीज मैंने बोली नहीं है, किसी ने वो चीज सुनी नहीं है, और उसको इतना बड़ा कर दिया है, और जो मुझे बोला जा रहा था ग्राउंड में, यू हैव टेस्टिकल ऑन योर हेड, वो मेरे लिए ऐसा सुनना, मेरे धर्म का अपमान करना, मेरे लिए सबसे वो मुश्किल बात थी। बट मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह वहां तब नहीं खोला, क्योंकि अगर मैं कुछ और बोलता तो और बवाल होता। पर ये तो है कि वो मुश्किल दौर में मैं रूम में कैसे अकेले टाइम बिताता था, वो सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ। मैंने कोशिश भी नहीं करी कि मैं किसी अपने प्लेयर से बात करूँ या मैं मैनेजमेंट से बात करूँ, बिकॉज दे वर एनी वेज विद मी, यू नो, इन द होल इंसिडेंट दे वर बैकिंग मी। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी जो स्ट्रेस है या मेरा जो जिस लेवल पे मेरा स्ट्रेस जा चुका है, मैं किसी और के ऊपर वो स्ट्रेस डालूँ। सो आई हैड टू डील इट विद with whatever way I could, you know, I'm glad that I could, you know, and still go out there and play and win few games for Team India in Australia.